सभी को नमस्ते, रमनीक शर्मा स्टेट मीडिया इंचार्ज एबीवीपी जम्मू कश्मीर। हमारे साथ यहाँ संस्कृत के स्कॉलर हैं और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट अकर्षी शर्मा जी भी मौजूद हैं। जैसा कि विषय 9 तारीख को हम सबके सामने आया, जहाँ डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट को लेके जो लेक्चरर की पोस्टें जो है कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे निकाली जाती है। वहाँ पे हम जब नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट, जो कि सबसे पुराना सब्जेक्ट है और जो एक टाइम पे जम्मू कश्मीर में एक मेन स्ट्रीम में सब्जेक्ट होता था, उसे स्थान नहीं दिया गया। संस्कृत, जिसे मातृभाषा भी कहा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ जम्मू कश्मीर में स्थान नहीं दिया जा रहा। इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, कौन लोग हायर एजुकेशन में बैठे हैं, ये सभी क्वेश्चंस को लेके आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये क्वेश्चन करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी सरकार से, क्या संस्कृत को यहाँ वैल्यू क्यों नहीं दी जा रही, जहाँ संस्कृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर एक राज्य में इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसे पीछे क्यों रखा जा रहा है। इन्हीं सभी सवालों को लेकर यहाँ हम एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। देखिए, वही उन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए सभी विद्यार्थी यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, हमारा विद्यार्थी परिषद का यही काम है कि ये जो सोल्यूशन निकालना और कोई भी इशू हो उसे लेके एड्रेस करना, और एबीपी इसलिए इकट्ठी हुई है कि ये एड्रेस किया जाए स्टूडेंट के ये इशू है कि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट इसके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, कॉलेज लेवल में भी इसे हटाया जा रहा है और स्कूल लेवल में भी इसको हटाया जा रहा है। तो इसी सभी विषय को लेके हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये कई क्वेश्चन है कि क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, हायर एजुकेशन में कौन लोग बैठे हैं जो संस्कृत जैसे सब्जेक्ट को पीछे करना चाहते हैं, सभी क्वेश्चन है, इन्हीं का जवाब मांगने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता है तो इसको लेके जो है आंदोलन किया जाएगा।